मैं पिछले 100 डेज में इस डेजर्ट में सर्वाइव करने का ट्राई कर रहा हूँ और लगभग मैंने सर्वाइव कर भी लिया है। आज मैं एक बहुत ही खतरनाक चीज बनाने वाला हूँ जिससे कि मेरी रिसोर्सेज की कमी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और आज मैं द सन ऑफ चीफ को भी हराने वाला हूँ। किस तरीके से मैंने एक पावरफुल आर्मर बनाया और स्वॉर्ड बनाई, अनलिमिटेड चीजें बनाने के लिए किस तरीके से मैंने सोलर से पावर ली और उस पावर को थिंग्स में कन्वर्ट किया और यहाँ पे सर्वाइव करना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं भाई क्या खतरनाक होने वाला है आज। तो जैसे कि गाइस आप लोग पीछे देख रहे हो भाई, सूरज ढलने को आ गया, मतलब रात होने वाली है। और पीछे गाइस मुझे इस प्राणी का नाम पता चल गया है भाई। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला इसका नाम है द सन ऑफ गॉड चीफ। तो भाई मुझे नहीं पता भाई इसका क्या मतलब है, लेकिन शायद सूरज डूब गया तो ये क्या मतलब कमजोर हो गया, क्योंकि यार इसको जो पावर मिलती है ना वो सन से मिलती है। बट मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता यार, क्योंकि जो इसके मिनियंस है ना वो काफी ज्यादा है। और एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये रात होते इसके मिनियंस कम हो गए भाई। क्या ये गायब हो रहे हैं? आई डोंट नो गाइस, लेकिन मुझे इसकी पावर नहीं पता भाई क्या है। ओ भाई ये स्पॉन भी करता है मिनियंस को। बट एक चीज अच्छी हो गई है भाई, ये जो इसके मिनियंस है ना ये आसपास रहने वाले जो हस्क वगैरह होते हैं ना उनको मार देते हैं और हस्क इनको भी मार देते हैं। ये देखो हस्क ने मुखौटा पहन लिया मिनियंस का। वैसे मैं एक चीज कर सकता हूँ, अगर मुझे ये मुखौटा मिल जाए ना, पहले तो यार मुझे ना खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं अपने लिए खाना देखता हूँ, एक एप्पल निकालता हूँ, एक एप्पल सॉस निकालता हूँ, मुझे फिल्टर पाउडर भी चाहिए, एक बीटरूट, एक पोटैटो। इतना खाना आई थिंक इनफ रहेगा भाई। जब से ये ट्रांसमुटेशन टेबल बनी है ना मेरी थोड़ी सी जो अंदर की तकलीफ है ना वो कम हो गई लिटरली गाइस। बट मेरे को यार अभी और भी अच्छे अच्छे खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना तो यार मेरा रीजनरेशन ना ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये क्या चमक रहा है इधर? आई डोंट नो क्या चमक रहा है गाइस यहाँ पे। चलो फिलहाल थोड़ा पानी मिल गया है मुझे, और अगर मैं ये मुखौटा ले पाऊँ ना उससे तो भाई एक बहुत सही चीज़ हो जाएगी। पता है क्या, रुको मैं इसको मारता हूँ। अगर ये मुखौटा मुझे मिल गया ना, ओके मुखौटा मिल गया गाइस, तो इस मुखौटे से मैं मिनियंस स्पॉन कर सकता हूँ और आई थिंक वो मिनियंस मेरे पे अटैक नहीं करेगा। अरे ये मैं पहन लिया इसने तो यार, मुझे तो लगा ये मिनियंस स्पॉन करेगा। नहीं गाइस ये मिनियंस स्पॉन नहीं कर रहा है, बट इससे मेरे को जंप बूस्ट मिल रहा है यार, ये तो सही चीज़ है फिर। बट इसमें जो आर्मर है वो बहुत कम है, मतलब एक का आर्मर है इसमें। चलो कोई नहीं गाइस, यार खाने की फिर से भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाना बनाना पड़ेगा मेरे को, कुछ डिफरेंट, क्योंकि ये खाना मैं बार बार खा चुका हूँ और थोड़ी देर में इसका न्यूट्रिशन ख़त्म होने वाला है, मतलब फिर मैं ये खाना ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा। आप लोग जैसे कि देख रहे हो भाई हमारे इस वर्ल्ड में द सन ऑफ चीफ आ गया है, तो यार उसको डिफीट करने के लिए मैं इस वाले आर्मर से उसको डिफीट नहीं कर सकता, ना ही इस वाले वेपन से उसको डिफीट कर सकता हूँ। तो यार मेरे को एक अच्छा आर्मर और एक अच्छा सा स्वॉर्ड बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं उससे फाइट कर पाऊँ बिना मरे। तो चलो गाइस यार तैयारी करते हैं एक अच्छा सा आर्मर और एक अच्छा सा स्वॉर्ड बनाने की। So guys, हम एक डार्क मैटर वाला आर्मर बना सकते हैं। ये डार्क मैटर वाला आर्मर ना बहुत सही है, देख रहे हो, लेकिन यार उसके लिए ना हमें डार्क मैटर बनाना पड़ेगा और डार्क मैटर बनाने के लिए ना अपने को बहुत सारा EMC लगेगा। और देखो डार्क मैटर बनाना कितना मुश्किल है, देखो भाई इसके लिए ये एक फ्यूल बनाना पड़ेगा अपने को और एक डायमंड का ब्लॉक चाहिए, और इस फ्यूल को बनाने के लिए अपने को मोबियस फ्यूल बनाना पड़ेगा, मोबियस फ्यूल के लिए एलकेमिकल कोल बनाना पड़ेगा, एलकेमिकल कोल के लिए भाई फिलोसोफर स्टोन और कोल लगेगा। वैसे हम ये बना सकते हैं बट यार अपने को बहुत तगड़ा चाहिए होगा, मतलब बहुत तगड़ी EMC चाहिए होगी। अगर मेरे पास देखा जाए ना, मेरे पास यहाँ पे 1 मिलियन EMC भी नहीं है। Well done. और भाई देखा जाए तो इसका जो एक हेलमेट है ना वही बन पाएगा सिर्फ मेरे इतने EMC में। तो यार मुझे तो पूरा आर्मर बनाना है, तो इसके लिए ना हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं जिससे कि मेरे को कुछ अनलिमिटेड EMC मिल जाए, मतलब अनलिमिटेड मेरे पास चीज़ें हो जाएंगी। और वो कैसे होंगे यार, उसका ना एक तरीका है, तो चलो भाई दिखाता हूँ उसका क्या तरीका है। तो सबसे पहले गाइस हमको ना एनर्जी कलेक्टर बनानी पड़ेगी, और ये एनर्जी कलेक्टर क्या होते हैं देखो भाई सिंपल सी बात है यार, ये मुखौटा हटा दो सबसे पहले, तो यार बहुत बुरा सा लग रहा था। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, हम रेगिस्तान में हैं यानी कि हम डेजर्ट में हैं, और एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे धूप जो है बहुत ज़्यादा गिरती है, मतलब हम चाहे तो हम मैं बनाने वाला हूँ सोलर से EMC, मतलब सोलर से एनर्जी कलेक्ट करने वाला हूँ और उस एनर्जी से EMC बनाऊंगा। भाई देखो EMC जिन लोगों को नहीं पता ना, वैसे तो मैं सच बताऊँ मेरे को भी EMC नहीं पता, बट इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए ना कि EMC आखिर होती क्या है, आप देखो
जो पैसे होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक डिजिटल फॉर्म में और एक हार्ड कॉपी में, मतलब जो आप नोट देखते हो ना करारे करारे कागज के बने हुए। तो इसी तरीके से हमारे माइनक्राफ्ट में भी जो चीजें होती है दो तरीके से होती है, एक तो रियल लाइफ की तरह जैसे कि भाई ये देख रहे हो ये एप्पल है, और एक ईएमसी में मतलब डिजिटल फॉर्म में। तो इसी तरीके से भाई वो डिजिटल फॉर्म बनाने के लिए ना मुझे बहुत सारा ईएमसी इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उससे क्या होगा ना मेरे पास कुछ डिजिटल पैसे आ जाएंगे जो कि उस ट्रांसमुटेशन टेबल से मैं कुछ भी खरीद पाऊंगा जो मैंने रिसर्च किया होगा। मतलब भाई पहले उसकी एक फर्स्ट कॉपी डालनी पड़ती है डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए, और उस डुप्लीकेट कॉपी के हमको पैसे पे करने पड़ते हैं जिसको ईएमसी बोलते हैं। आई होप यार जितने भी समझदार लोग होंगे उनके समझ में आ गया होगा कि ईएमसी होती क्या है, और जिनके नहीं समझ में आया भाई थोड़ी सी और वीडियो देख लो आगे तक आप लोगों को समझ में आ जाएगा ईएमसी क्या होती है। तो चलो भाई एंटी मैटर बनाने की तैयारी करते हैं जिसका हम आर्मर बनाने वाले हैं, और उस आर्मर को बनाने के लिए बहुत सारी ईएमसी लगेगी। तो ईएमसी फार्म बनाते हैं सबसे पहले एक, जिसके लिए मैं बनाने वाला हूं एक एनर्जी कलेक्टर, और इसके टायर होते हैं MK1, MK2 और MK3। जो MK3 होता है भाई वो सबसे पावरफुल होता है, वो सबसे ज्यादा EMC कलेक्ट करता है। अगर मेरे को MK3 बनाना है डायरेक्ट तो सबसे पहले मेरे को MK1 बनाना पड़ेगा, फिर MK1 से MK2 बनेगा, MK2 से MK3 बनेगा। तो मतलब मेरे को सबसे पहले लेवल 1 का ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भाई मेरे को ग्लोस्टोन चाहिए होंगे, डायमंड का ब्लॉक चाहिए होगा, फर्नेस चाहिए होगा और ग्लास चाहिए होगा। मेरे पास ग्लोस्टोन डस्ट है, तो ऐसा करते हैं ग्लोस्टोन डस्ट निकालते हैं और इससे ग्लोस्टोन बना लेता हूं मैं एक, फिर उसको रिसर्च कर लूंगा तो मेरे पास अनलिमिटेड ग्लोस्टोन हो जाएंगे जितनी मेरे पास ईएमसी है। अरे भाई इससे ग्लोस्टोन कैसे बनेगा? ओके सॉरी मैं गलत तरीके से बना रहा था। क्या बात है। तो ये आ गया गाइस इसके अंदर ग्लोस्टोन, ठीक है। और क्या चाहिए था मेरे को? ग्लास चाहिए। क्या मेरे पास इसमें ग्लास है? तो गाइस मैं 7 एनर्जी सेल बना लिए मैंने, और अब ऐसा करता हूँ इनको रिसर्च कर लेता हूँ ताकि ये मेरे पास इस तरीके से बन पाए। लेट्स गो। तो अब बनाते हैं MK2। MK2 के लिए मेरे को चाहिए होगा भाई ग्लोस्टोन और डार्क मैटर। तो भाई डार्क मैटर तो अभी तक बनाया नहीं मैंने, तो चलो एक डार्क मैटर बना लेते हैं, जिसके लिए मेरे को फ्लोसिपर स्टोन चाहिए होगा और कोल चाहिए होगा। अब इसको रिसर्च करके डबल कर लेते हैं, अब इसको भी रिसर्च कर लेते हैं। ओके गाइस, तो भाई मैंने यहाँ पे एक डार्क मैटर बना लिया है, तो अब इसको भी रिसर्च कर लेते हैं। तो गाइस अपने पास डार्क मैटर आ गया है, और देख रहे हो मेरे इतनी सारी चीज़ों से सिर्फ 2 ही डार्क मैटर बने भाई, और मेरा ईएमसी ख़त्म हो गया। तो यार मतलब मैं MK3 तक पहुँच भी पाऊँगा, और MK3 के लिए मेरे को एक एनर्जी कलेक्टर तो चाहिए ही चाहिए भाई। मेरे को ग्लोस्टोन के ये चाहिए होंगे। ओके गाइस मैं ग्लोस्टोन भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, ऐसा करता हूँ एक ही बना लेता हूँ या 2 बना लेता हूँ, और डार्क मैटर कितने निकल पाएंगे? ओके 2 डार्क मैटर है मेरे पास, तो 2 तो बन जाएंगे MK2। ओके गाइस तो मैंने लेवल 2 तक बना लिए हैं, क्या मैं इसको लेवल 3 तक बना सकता हूँ? लेवल 3 तक बनाने के लिए भाई मेरे को रेड मैटर बनाना पड़ेगा, होली मोली गाइस। और रेड मैटर बनाने के लिए 3 डार्क मैटर चाहिए मेरे को। क्या मेरे पास कुछ बढ़िया चीज़ पड़ी है? मैं बाहर जा के देखता हूँ, क्या मैं थोड़ी ईएमसी बना सकता हूँ? भाई ये तो बहुत कम ईएमसी है यार, इससे तो बात नहीं बनेगी। शिट, इस ईएमसी से बात नहीं बनेगी गाइस। मेरे को एमरल्ड चाहिए यार, क्योंकि एमरल्ड से सबसे ज़्यादा ईएमसी बनती है इसमें। तो ऐसा करते हैं लेवल 2 का ही रहने देता हूँ, बाद में अपग्रेड करेंगे इसको, और लेवल 2 का भी सिर्फ एक ही बनाता हूँ और अगली चीज़ बनाता हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फर्नेस है गाइस। देखो मैं आप लोगों को दिखाऊँ ना, ये सिर्फ एक फर्नेस है जो कि ईएमसी कलेक्ट करता है धूप से, बट इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना मुझे। स्टोर करने के लिए मुझे एक चीज़ चाहिए होगी जिसको बोलते हैं एनर्जी कंडेंसर और एंटी मैटर रिले। ये 2 चीज़ बनानी पड़ेगी मेरे को। और ये जो एंटी मैटर रिले होते हैं ना गाइस, ये भी ऐसी होती है MK1, MK2, MK3, मतलब इसमें भी 3 लेवल होते हैं। तो इसके लिए मेरे को ऑप्सीडियन ग्लास और डायमंड का ब्लॉक लगेगा, और ये भी गाइस मैं एक ही बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे MK2 भी बनानी है, जिसके लिए मेरे को एक एंटी मैटर लगेगा। ओके गाइस तो ये भी भाई मैंने लेवल 2 तक का बना लिया है, तो इसको भी रख देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये देखो गाइस, ये भी कुछ कुछ इस तरीके से है, बट अभी इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इसके लिए अपने को एक चेस्ट टाइप चीज़ बनानी पड़ती है जिसको हम कंडेंसर बोलते हैं। तो ये एक तो ये होता है एनर्जी कंडेंसर, जिसके लिए मेरे को भाई ये वाली चेस्ट बनानी पड़ेगी, और इस चेस्ट को बनाने के लिए हाई कैनवस डस्ट।
तो गाइज मेरी एनर्जी कंडेंसर बन गया है और मैं चाहूँ तो इसको टीयर 2 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जो कि है एनर्जी कंडेंसर MK2, तो इसमें भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट उसके लिए भाई मेरे को रेड मैटर और ब्लैक मैटर के पूरे पूरे ब्लॉक चाहिए, जो कि मेरे पास ऑब्वियसली सी बात है नहीं है। तो चलो इस चेस्ट को मुझे यहाँ पे इस तरीके से रखना होगा। अब देखो गाइस कमाल की चीज़, और कमाल की चीज़ क्या है, मुझे ग्लो स्टोन चाहिए होगा। रुको मैं ग्लो स्टोन ले लेता हूँ, ये रहा, ओ सॉरी ग्लो स्टोन ये रहा। और एक चीज़ और, मुझे ये तोड़ देता हूँ यार इसको, और इसको भी तोड़ता हूँ। रुको पहले मुझे ये लगाना होगा, फिर उसके ऊपर ये आएगा इस तरीके से, और ये देखो ये चार जोने लग गया ना, और इसके ऊपर आएगा ग्लोस्टोन इस तरीके से, ऐसे ये ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसके अंदर एक आयरन रख के दिखाऊं, जैसे कि मैं एक आयरन ले लेता हूँ, ठीक है, आयरन का ब्लॉक ले लेता हूँ। अब देखो आयरन के ब्लॉक में कितना EMC है, 2304 EMC है, ठीक है। अब मुझे एक आयरन का ब्लॉक को डबल करना है, मतलब डुप्लीकेट करना है, तो मैं यहाँ पे वो एक प्रॉपर्टी रखूँगा ऐसे। तो ठीक है देखो ये प्रॉपर्टी रख दी, अब ये कितनी देर में बनाएगा इतनी EMC, ये डिपेंड करता है। और ये भाई अभी काफ़ी स्लो है क्योंकि रात हो रखी है, तो मे बी अगर मैं सो जाऊँ तो शायद बात बन जाए। ओके तो दिन हो गया है, आई थिंक अभी वो थोड़ी सी फास्ट बनाएगा चीज़, तो देखते हैं फास्ट बना रहे क्या नहीं। ओके ये अभी भी थोड़ा स्लो ही है गाइस, और मतलब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्लो है, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस। जब हम ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर लेंगे ये चीज़ें, तो ये एकदम परफेक्ट सेटअप हो जाएगा। तो जब तक भैया थोड़े से आयरन के ब्लॉक को डबल करता है, जब तक मैं थोड़ा बहुत दिमाग लगाता हूँ कि मैं और क्या चीज़ करूँ, या फिर मैं कुछ खाने का जुगाड़ करूं, या फिर मैं लॉस्ट सिटी में जाके थोड़े बहुत, अरे बराक ओबामा कहाँ गया, चीफ ऑफ सन कहाँ गया, क्या वो कहीं चला गया। ये पार्टिकल किस चीज के हैं, क्या वो शायद चला गया, वो चला गया शायद। ओके गाइस बट वो कभी भी आ सकता है भाई, कुछ पता नहीं है उस बंदे का। बाकी यहाँ पे वो पार्टिकल छोड़ गया और चला गया मुझे लगता है वो। तो गाइस क्यों ना यार वो एक टावर जो सामने वो देख के आए क्या है। वैसे यार गाइस अभी नहीं जाते, पता है क्यों, हो सकता है वैसे यार वहाँ पे लूट भी मिल सकती है मेरे को यार। वैसे यार मेरे पास पानी वानी कुछ भी नहीं है, मेरे को ना कुछ ऐसी एक चीज बनानी पड़ेगी कि मैं घर से बाहर जाऊं तो मेरे को अपने क्राफ्टिंग टेबल का एक्सेस मिल जाए, मतलब वो जो मैंने ट्रांसमुटेशन टेबल बना रखी है ना उसका मुझे कुछ एक्सेस मिल जाए कि मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकूं। तो इसका यार एक सलूशन है, इसके अंदर ना ट्रांसमुटेशन टैबलेट बनता है। देखो ये रहा टैबलेट, अगर ये टैबलेट मैं बना पाऊँ ना गाइस, तो इस टैबलेट को मैं मतलब इस जो ट्रांसमुटेशन टेबल है इसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ भाई। मगर ये बहुत महंगा है यार, लिटरली गाइस ये ट्रांसमुटेशन टेबल बहुत महंगा है। ये 2 मिलियन EMC चाहिए इसको बनाने के लिए, मतलब 4 ब्लॉक लगेंगे डार्क मैटर के, और डार्क मैटर तो यार बिल्कुल अभी 0 ही के बराबर है, मतलब 128 है मेरे पास अभी तक, यार बहुत कम है भाई ये EMC तो। ओके देखो इसने एक आयरन का ब्लॉक बना भी दिया भाई, तो इस तरीके से मैं इन आयरन के ब्लॉक्स को यहाँ पे आके इसके अंदर डाल सकता हूँ और EMC बना सकता हूँ। तो इस तरीके से भाई मैं रोशनी से थोड़ा बहुत EMC बना सकता हूँ, बट जब ये मेरे पास अच्छे खासे अमाउंट में होगा तो यार और भी ज्यादा बढ़िया होगा। ओके गाइस तो भाई एक और नई सुबह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि भाई आप लोग देख रहे हो कि यार मेरी EMC वाले जो यहाँ पे मैंने सोलर सिस्टम लगाया था वो कहाँ गया, तो भाई वो चला गया है ऊपर, क्योंकि अब मेरे पास थोड़ा बहुत सामान आ गया है, मतलब मेरे पास इनफ जो है वो EMC आ गया है, यानी कि मैं इस मशीन को अब थोड़ा सा और बड़ा बना सकता हूँ। और वो कैसे बनाऊंगा चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे चेस्ट लगेगी इस तरीके से, और अब इसके चारों तरफ लगाऊंगा मैं एनर्जी कलेक्टर, ये रहे एनर्जी कलेक्टर। ये मेरे को आई थिंक 18-19 चाहिए होंगे, तो निकाल लेता हूँ। मेरे पास ऑलमोस्ट 4 मिलियन EMC हो गया है भाई, और 4 एंटीमैटर रिले ले लेता हूँ। चलो अभी मेरा जो है भाई ये मशीन थोड़ी स्पीड में बनने वाली है। ओके गाइस तो अब एक ये लगेगा यहाँ पे, एक ये लगेगा, एक ये तो 4 रिले लग गए हैं मेरे यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग, अब मेरे को एक ये यहाँ लगाना है यहाँ पे, और एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ पे और इसको तोड़ लेते हैं, एक यहाँ लगेगा, लेट्स गो, एक यहाँ एंड एक यहाँ,
और एक लगेगा यहाँ पे रिले पे कुछ इस तरीके से। ओके, और हाँ ये यहाँ भी लगा देता हूँ मैं। तो अब बाकी क्या लगाते हैं, ग्लो स्टोन। तो ये जितने भी ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ना गाइस, इन सब पे मेरे को ग्लो स्टोन लगाना है, तो ये और भी ज़्यादा एनर्जी बनाएंगे। ओके गाइस, तो ये पूरा का पूरा कवर हो गया है भाई, और अब उसने तो बनाना शुरू भी कर दिया होगा EMC। और ये देखने में बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है गाइस, मतलब ये एक फ्लावर की तरह लग रहा है। फ्लावर नहीं, फायर है। चलो कोई ना, वैसे यार अपने को क्या इस फ्लावर से मतलब, अपने को तो EMC से मतलब है। और मैंने कुछ इसको ना इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि मैं इसको घर के अंदर से भी, यहाँ से भी इसको मैं कर सकता हूँ एक्सेस। अरे गलत जगह से तोड़ दिया, यहाँ से भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको छत के ऊपर बनाया है। ओके गाइस, ठीक है भैया, बनाने शुरू कर दी इसने EMC। बट ये नहीं पता था मुझे कि भाई ये Level 2 की ही चीज़ें लेगा। आई थिंक अब ये आयरन नहीं बना रहा था। तो चलो अभी ये सुपर फास्ट हो चुका है, और इसको थोड़ा और पावरफुल बनाने के लिए मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, तो गाइज़ ये अभी बहुत ही सही पावरफुल बन चुका है, और मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे कोबल स्टोन हो चुके हैं, तो इनके अंदर भी काफ़ी सारी EMC है। ओके, इनको भी डाल देता हूँ भाई, थोड़ी तो EMC और बनेगी एक्स्ट्रा कम से कम। बाय द वे गाइज, अगर मैं ये जो कोबल स्टोन जनरेटर है इसको थोड़ा बढ़ा दूं, ये भी शायद कुछ ज़्यादा अच्छी मेरे पास EMC इकट्ठी करवा सकता है। पता है कैसे, अगर मैं इसको अपग्रेड कर दूं तो ये बहुत फास्ट कोबल स्टोन बनाएगा, और वो कोबल स्टोन से मैं EMC बना सकता हूँ। लेट्स गो, देखते हैं मैं इसको कहाँ तक अपग्रेड कर सकता हूँ। अब भाई अब खतरनाक चीज़ आ गई, यानी कि एम्ब्रल्ड। बट मैं इसको एम्ब्रल्ड में भी कर सकता हूँ कन्वर्ट। लेट्स गो, इससे ऊपर भी होता है क्या ये? ओके, इससे ऊपर नहीं होता, तो अभी देखते गाइस इसकी पावर, इसकी क्या पावर है भाई। लेट्स गो। ओके, ये इसकी पावर तो गाइस अच्छी है, बट मुझे लगता है ये होपर अच्छा नहीं है, क्योंकि ये होपर जो है बहुत स्लो लग रहा है मुझे। तो ये बन गया होपर, इस होपर को डबल कर लेते हैं भाई। तो मुझे एक होपर चाहिए होगा। तो ये देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा स्पीड में कोबल स्टोन जनरेट कर रहा है ये। और अगर मैं इसमें पावर भी दे दूँ ना इस मशीन में, जो कि ये ऑटो कंप्रेसर है, फिर ये सारे के सारे जो कोबल स्टोन है कंप्रेस होने लग जाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ, ये जो बाहर कोल जनरेटर लग रहा है ना, इसको एक बार डबल कर लेता हूँ, या फिर मैंने डबल किया हुआ है। ओके, मैंने उसको डबल नहीं किया हुआ भाई। ओके, इसको डबल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एक से ही काम चला लेंगे। गाइस इसके अंदर पावर आ गई है, और ये कंप्रेस करना इसने शुरू कर दिया है। लेट्स गो। तो अब मेरे को यहाँ पे भाई कुछ कुछ फ्री की EMC मिलती रह करेगी इस तरीके से, मतलब ये भी ठीक है। और इसने कितनी एनर्जी बना दी, इसने भी काफ़ी अच्छी एनर्जी बना दी भाई। और इसको ना और फास्ट करने के लिए मैं एक चीज़ और बना सकता हूँ, पता है क्या, इसमें एक पेडिस्टियल बनता है। देखो ये रहा वो पेडिस्टियल, और ये पेडिस्टियल के लिए ना पूरे 4 मिलियन EMC चाहिए, मतलब मेरे को रेड मैटर बनाना पड़ेगा। वैसे रेड मैटर बनाना आसान है, इस तरीके से मैं रेड मैटर बना सकता हूँ इसमें। बट इसको बनाना तो आसान था, बट इसको अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये एक ही स्टोन पूरे 500,000 का है, मतलब 500,000 EMC लगती है इसको एक स्टोन को बनाने में। तो भाई मेरे को पेडेस्टल बनाने के लिए 4 चाहिए, मतलब 2 मिलियन, और ये डार्क मैटर के ब्लॉक भी चाहिए। शिट, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है भाई, और मैं तो डार्क मैटर के ब्लॉक भी नहीं बना सकता अभी। तो चलो देखते हैं गाइस ये कितनी देर में बनते हैं। अगर ये एक भी बन गया ना, तो मुझे कम से कम अच्छा खासा EMC मिल जाएगा। और रात हो रखी है तो सो जाते हैं भाई, नहीं सो सकते यार, दिन में ही सो पाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं यहाँ से अपना बेड ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मोब रहते हैं इस साइड। मैं इस साइड अपना बेड लगाता हूँ, जिस साइड मोब थोड़े कम हो। 1 hour later। ओके गाइस, तो भाई दिन हो चुका है, और मैं यहाँ से सारे के सारे ट्री जो है निकालने वाला हूँ इस तरीके से, क्योंकि इनसे भी मुझे थोड़ा बहुत EMC जो है मिलता रहता है भाई। और EMC तो मैं जितना ज़्यादा इकट्ठा कर लूँ उतना ही कम है, क्योंकि मेरे को बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है यार, और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत EMC चाहिए। फिलहाल मेरे पास 5 मिलियन के करीब EMC हो गया है, तो अभी मैं वो पेडेस्टियल बना सकता हूँ, जो कि है ये वाला पेडेस्टियल। इसके लिए मेरे को डार्क मैटर के 5 ब्लॉक चाहिए होंगे, और 4 रेड मैटर चाहिए होगा। तो चलो 5 ब्लॉक बनाते हैं डार्क मैटर के। पहले मैं इसका एक ब्लॉक की रेसिपी डाल देता हूँ उसमें,
ओके, 1, 2, 3, 4, 5। एक और चीज बना ली है मेरे को, जो कि है क्लॉक, जो कि है ये वाली क्लॉक। तो इसको बनाने के लिए भाई, वॉच क्लॉक को बनाने के लिए ना, मेरे को 4 डार्क मैटर चाहिए और एक ये वाली क्लॉक चाहिए। तो मेरे को गोल्ड चाहिए होगा और रेड स्टोन चाहिए होगा। तो गाइस थोड़ा सा कमी रह गई है अभी चीज़ों की, क्योंकि मेरे को इसके लिए कितने 4 डार्क मैटर चाहिए क्लॉक बनाने के लिए, और मेरे पास अभी 2 ही आए हैं। तो क्या ये ओके, इसमें एक और बन गया है एनर्जी सेल, तो इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। तो इसका मतलब मैं 2 और बना सकता हूँ। लेट्स गो, मतलब काम हो गया भाई। मेरे को लग नहीं रहा था वैसे हो जाएगा, बट हो गया। मुझे लगा थोड़ा और AFK करना पड़ेगा। मेरे पास ये वॉच आ चुकी है, और उसके अलावा मेरे को पेडेस्टियल बनाना होगा। कहाँ गया पेडेस्टियल? ये रहा पेडेस्टियल, तो ये बन गया हमारा पेडेस्टियल। लेट्स गो। तो मेरे पास गाइस दोनों ही चीज़ आ चुकी है, और अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे बस यहाँ पे ऊपर जाना है इसके इधर, और यहाँ पे ये डार्क मैटर पेडेस्टियल रखना है इस तरीके से, और इसके अंदर ये वॉच डालनी है। बट वॉच डालने से पहले, सबसे पहले मेरे को वी दबाना होगा। ओके गाइस, ये चार्ज हो गई है। इसका मेरे को की सेटअप करना पड़ा, और अब इसको बस एक बार राइट क्लिक करना है। ये रहा, ये लो फास्ट फॉरवर्ड। और अब मुझे इसको इसमें रखना है इस तरीके से। भाई किसने क्या फेंक दिया यार, ये कहीं से भी कुछ भी फेंक देते हैं। ये जो मैंने बनाया है ना पेडेस्टियल विद ए क्लॉक, तो भाई ये ना टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करेगा। तो चलो टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। पहले इसकी स्पीड दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो भाई ये देखो, ये है इसकी स्पीड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और चलो अब उसको जरा मैं स्टार्ट करके आता हूँ अपने क्लॉक को, और ये क्लॉक चलाते ही इसका टाइमिंग जो फास्ट होना चाहिए। ओके गाइस, तो भाई इसका टाइम अब फास्ट हो रहा है। ये देख रहे हो पार्टिकल खींच रहा है, मतलब ये टाइम को खींच रहा है हमारे वर्ल्ड में से, और इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। ये लिटरली गाइस स्पीड में हो गया है भाई। हाँ ये स्पीड में हो गया है। ओके गाइस, तो मतलब अब ये जो मेरे पास MC है, ये थोड़ी ज़्यादा स्पीड में बनेगी। तो भाई देखो, ये एक बना भी दिया इसने और दूसरा बनने को जा रहा है यार। लेट्स गो, ये तो बहुत सही चीज़ हो गई। अगर मैं एक और पेडेस्टियल और वो क्लॉक बना के डाल दूँ तो भाई, लेकिन उसके लिए यार 4 मिलियन पावर चाहिए यार, और 4 मिलियन पावर अभी है नहीं मेरे पास। बट गाइस एक चीज़ है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे AFK कर लूँ ना थोड़ी देर तक, तो मेरे पास अच्छी खासी EMC आ जाएगी, और फिर मेरे पास जब 4 मिलियन हो जाएगी ना, तो मैं यहाँ पे उन पेडेस्टियल को डबल कर सकता हूँ। तो चलो भाई थोड़ा AFK करते हैं, जब तक मैं थोड़ा बहुत खाने का देख लेता हूँ इसमें कुछ है तो। डिस्को टाइम। ओके गाइस, तो भाई तूफान भी आ गया है, रात हो गई है। और भाई तू कहाँ से आया? या। अरे भाई पता नहीं, ये भी आ जाते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारा एनर्जी जो गाइस बन गया था, और यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 7 मिलियन के करीब हो गया है पावर। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मैंने बनाया था ना यहाँ पे, ये रहा, इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। ओके, मुझे तोड़ना पड़ेगा आई थिंक, तभी मुझे मिलेगा। ओके, मुझे मिल गया है। तो अब जरा मैं इसको डबल कर लेता हूँ सबसे पहले, तो इसको भी और इसको भी। तो ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो और ये निकालो। तो मेरे पास 2 और हो गए हैं, तो इसका मतलब मैं अब इनको भी जाके लगा देता हूँ ऊपर। घड़ियाँ हैं, पहले इनको चार्ज करूँगा मैं ऐसे दोनों को, और एक एक बार इनको फास्ट फॉरवर्ड पे सेट करूँगा और रख दूँगा। और अब इन पर जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये चलने शुरू हो जाएंगे दोनों। तो अभी देखते गाइस क्या स्पीड है भाई अंदर की। अब और भी ज़्यादा स्पीड में बनाएंगी ये चीज़ें। ओ लेट्स गो गाइस, अब तो भाई देखते के साथ ही बन रही हैं ये, मतलब अब ऑलमोस्ट 10 सेकंड का टाइम ले रही हैं ये। और अगर मैं ये ज़्यादा भाई बनाता रहूँगा ना इस तरीके से, वैसे अब मैं एक रेड मैटर डाल देता हूँ ताकि भाई मेरे को बढ़िया चीज़ मिले। तो एक रेड मैटर डालते हैं, लेट्स गो गाइस। अब देखते हैं रेड मैटर कितनी देर में बनेगा भाई। एंड यार मैंने इसमें खाने का देखा, इसमें खाने का बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उनको बनाने के लिए मेरे को सीड चाहिए होंगे, और सीड मेरे को यहाँ पे मार्केट में मिल सकते हैं। बट यार उन सीड को ना उगाना भी पड़ेगा। अगर मैं बार बार ऐसे सीड खरीद कर लेके आऊँगा ना, देख रहे हो आप 20 एमरल्ड की चीज़ें हैं ये, और इतनी महंगी है यार, सच में यार ये बहुत महंगी है लिटरली गाइस। 20 एमरल्ड से मैं कैसे कर पाऊँगा यार ये चीज़ें। मतलब देखो अभी मैं वैसे काफ़ी अमीर हूँ, लेकिन फिर भी यार देखो मैं 20 एमरल्ड की चीज़ नहीं खरीद सकता यार, देख रहे हो। वो इसलिए नहीं खरीद सकता मैं 20 एमरल्ड की चीज़, क्योंकि अभी मैं मशीनों पे काम कर रहा हूँ। जब मेरी मशीनें सारी सारी बन जाएगी ना,
तब भाई तुम्हारा भाई पूरा अमीर हो जाएगा एकदम बढ़िया वाला। बस यार एक बार मेरा आर्मर और स्वॉर्ड बन जाए फिर मैं यहाँ पे ना एडवेंचर के लिए भी जा सकता हूँ। मतलब जैसे अभी मेरे को एडवेंचर के लिए सोचना पड़ता है ना, फिर मेरे को एडवेंचर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ओके, दो एंटी मैटर भी बन गए हैं भाई, रेड रेड मैटर। तो मेरे पास यहाँ पे 3 मिलियन हो गया है फिर से। 4 मिलियन होते ही मैं फिर से बनाऊंगा एक पेडिस्टल। आ जा बेटे, तू भी आ जा। नहीं, तू भी आ जा। ये ले ये ले ये ले। सही में भाई जब लगता है ना कि मेरे को कोई मार नहीं पाएगा, उसी टाइम पता नहीं कोई ना कोई आके मार देता है यार। सो गाइस, मेरे पास यहाँ पे हो गई है लगभग लगभग 11-12 मिलियन हो गई है मेरे पास यहाँ पे एनर्जी। तो चलो थोड़ी सी और क्लॉक बनाते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो भाई मैंने यहाँ पे 4 पेडेस्टियल लगा दिए हैं, इसका मतलब अब मेरा जो टाइम है और भी ज्यादा फास्ट हो गया होगा। लेट्स सी ये कितना फास्ट हुआ है। ओके गाइस, अब ये मुझे लगता है लगभग 5 या 6 सेकंड में एक रेड मैटर बना रहा है। तो मतलब ये पहले से ज़्यादा फास्ट हो गया है। और अगर मैं और भी लगाता रहूँगा ना इसी तरीके से पेडेस्टियल, मतलब मैं 8-10 पेडेस्टियल लगा दूंगा, तब भाई इसकी स्पीड ना देखने लायक होगी गाइस। A lot of boring math later. ओके गाइस, तो भाई मैंने 8 रेड मैटर के पेडेस्टियल और बना लिए हैं और मैं हो गया हूँ पूरा कंगाल। मेरे पास यहाँ पे भाई 1 मिलियन EMC भी नहीं है। तो भाई इस कंगाली को दूर करने के लिए ना अब मेरे को बहुत सारे ये लगाने पड़ेंगे पेडेस्टल। और मैं भाई आशा करता हूँ कि ये और भी ज़्यादा स्पीड देंगे मेरे इसको प्रोजेक्ट को। सो लेट्स सी ये कितनी ज़्यादा स्पीड देंगे भाई। अब मैं इसको फास्ट फॉरवर्डिंग टाइम पे लगाऊंगा और सीधा इसमें डालूंगा। फास्ट फॉरवर्डिंग टाइम इसमें डालो, फास्ट फॉरवर्डिंग टाइम इसमें डालो, फास्ट फॉरवर्डिंग टाइम ये डालो, फास्ट फॉरवर्ड इसमें, फास्ट फॉरवर्ड इसमें, फास्ट फॉरवर्ड इसमें, बंद करो आज। एंड लास्ट बचिए गाइस, ये भी हो गई स्टार्ट, लेट्स गो। एंड आई होप गाइस अब ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ना, इससे भाई मेरी पूरी दरिद्रता, जो भी गरीबी है ना मेरी इस डेजर्ट में, वो सारी पूरी हो जाएगी। और भाई नो नो, अब देखते हैं भाई क्या स्पीड होने वाली है इसकी, कितने रेड मैटर बना रहा होगा ये। लेट्स गो बॉयज, ये बहुत ज्यादा स्पीड में हो चुका है भाई। मतलब अब ये लगभग 3 या 4 सेकंड में एक बना रहा है, या शायद उससे भी जल्दी। भाई साहब, इसने 5 मिलियन EMC बना दिया इतनी देर में, जितनी देर में मैं ऊपर बात कर रहा था। ओके गाइस, तो भाई अब ये पावरफुल बन चुका है और अब मेरे पास इतना सारा रेड मैटर आ चुका है। तो मैं यार सोच रहा हूँ कि मैं ना ब्लैक मैटर का ना बना करके आर्मर, मैं सीधा रेड मैटर का आर्मर बनाऊँ, ये वाला आर्मर, क्योंकि यार ये आर्मर ना ब्लैक मैटर से ज़्यादा बढ़िया है। मतलब ये ओपी आर्मर है यार, कह सकते हो तुम लोग। बट फ़र्क क्या है यार, फ़र्क नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इसमें भी 8 का आर्मर और 2 का टफनेस है, और ब्लैक वाले में भी 8 का आर्मर 2 का टफनेस है। ये 4 मिलियन EMC में एक बन रहा है, ये 1 मिलियन EMC में एक बन रहा है। तो चलो भाई थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ताकि मेरे पास इनफ रेड मैटर और ब्लैक मैटर आ जाए। लेट्स गो, ये बना हेलमेट। भाई ये वाला आर्मर ना गाइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका एक्स बनाने के लिए मेरे को डायमंड लगेगा भाई। देख रहे हो गाइस, पहली बार कोई एक ऐसा पिकेक्स और एक्स बनेगा जिसमें स्टिक का यूज़ नहीं हो रहा, डायमंड का यूज़ हो रहा है भाई। तो ये बन गई गाइस मेरी डार्क मैटर की पिकेक्स। पुराने टूल्स मैं हटा देता हूँ अपने इन्वेंट्री से अब। तो चलो भाई थोड़ा सा और रेड मैटर इकट्ठा करते हैं और अब बनाते हैं अपना रेड मैटर का आर्मर। सबसे पहले हेलमेट, देन चेस्ट प्लेट, या गई स्वॉर्ड। थोड़ी देर में ही मैं अपनी ये सब चीज़ें तैयार कर लूँगा। ओके, आर्मर चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन क्या टूल्स चार्ज होंगे? ओके, ये टूल्स चार्ज हो गए भाई। बट भाई अपने पास यहाँ पे अच्छा खासा रेड मैटर आ रहा है और इसकी स्पीड भाई बढ़े ही जा रही है, बढ़े ही जा रही है। और अब भाई तुम्हारे भाई को कोई मार नहीं सकता है, क्योंकि अब मैं हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा पावरफुल। एंड यार वन मोर थिंग, मैं चाहूँ तो इस वाले आर्मर को भी अपग्रेड कर सकता हूँ, बट इसमें लगाने पड़ेंगे मुझे जैम्स, और जैम्स लगने के बाद भाई ये ओपी हो जाएगा। मतलब फिर मेरे को शायद से भूख वगैरह नहीं लगेगी, और इसको मैं इंचेंट भी कर सकता हूँ। लेट्स गो। और हाँ यार, मैं ना टैबलेट भी बना ही लेता हूँ ताकि मैं अपने इस ट्रांसम्यूटेशन टेबल को कहीं से भी एक्सेस कर सकूँ। ये रहा, तो इसके लिए लगेगा भाई डार्क मैटर और एक ट्रांसम्यूटेशन टेबल। ये बन गई मेरी ट्रांसम्यूटेशन टेबल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन गाइस, अपनी ट्रांसम्यूटेशन टैबलेट भी बन के रेडी हो गई है। अब इस टैबलेट को भाई मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। देख रहे हो,
मतलब अब मुझे उस ट्रांसमोटेशन टेबल की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं इस टैबलेट को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए हो या मुझे कुछ पीने के लिए चाहिए हो, बस मुझे बस इससे खोलना है और यहाँ पे जो भी चाहिए मेरे को वो इस तरीके से डालना है और मेरे को मिल जाएगा कहीं पर भी। मतलब अब मैं एडवेंचर के लिए पूरा तैयार हूँ भाई, मतलब मैं कहीं पर भी अब जा सकता हूँ एडवेंचर के लिए। एंड लेट्स सी यार, अपने इस ब्लेड को टेस्ट करके देखते हैं, जो कि है भाई ये रेड मैटर स्वॉर्ड और इसका 20 का अटैक डैमेज है और ये आई थिंक सभी चीजों को वन शॉट करेगी। भाई मैं यहां से नहीं मारूंगा इनको। एंड बाय द वे गाइस, मेरे को डैमेज जो है वो बिल्कुल ना के बराबर लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो भाई मेरे को पॉइजन लगा हुआ है, बट मैं मतलब मेरे को कुछ भी असर नहीं पड़ रहा उस पॉइजन का, मेरा हेल्थ कम नहीं हो रहा है भाई। वैसे अगर इसकी पिकेक्स टेस्ट करी जाए ना, तो भाई इसकी पिकेक्स जो ना बहुत ज़्यादा इनसेन है भाई, देख रहे हो ये बहुत तगड़ी पिकेक्स है यार डार्क मैटर की, एक नंबर की। और ऐसे ही मुझे लगता है इसकी एक्स भी ऐसे ही होगी, एकदम ज़बरदस्त। और हाँ, यहाँ पे ना एक और था जिसको मैं माइन नहीं कर पा रहा था अपने नॉर्मल वाले पिकेक्स से, ये रहा बहुत चमचमाता हुआ, और इसको तो मैं निकाल ही नहीं पा रहा था, डायमंड की पिकेक्स तो मैं बना ही नहीं पा रहा था। तो अभी मेरे पास भाई ये तगड़ी वाली पिकेक्स है, तो चलो देखते हैं इस ओर को निकाल करके ये क्या चीज़ होने वाली है। ओके गाइस, ये ड्रैकोनिक डस्ट है भाई, मतलब ये एक और बहुत तगड़ी चीज़ है। ओ शिट गाइस, भाई मेरे को इसके ब्लास्ट का कोई असर नहीं पड़ रहा यार, बट यार अगर इसने मेरा ये तोड़ दिया ना भाई, दिक्कत हो जाएगी, मुझे यहाँ से निकलता हूँ मैं। ओके, मेरे को डरने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरे पास ट्रांसमोटेशन टेबल है यहाँ पे, और एक आयरन चाहिए मुझे। अगर भाई मैंने टैबलेट नहीं बनाया होता ना, तो मैं यहाँ पे फंस जाता अभी नेदर के अंदर, बहुत बुरा वाला। बट फिलहाल मैं यहाँ से अब इजीली निकल गया हूँ। लेट्स, ओ माय गॉड गाइस, ये फिर से आ गए, बट अभी गाइस मैं इनके लिए बिल्कुल तैयार हूँ भाई। अब मेरे पास बहुत तगड़ा आर्मर और एक बढ़िया सी स्वॉर्ड है, मैं कह रहा था भाई वो कभी भी आ सकते हैं। और ये देख रहे हो भाई, मेरे को खाने का कुछ चाहिए यार। और ये उसके मिनियंस कहाँ गए? ओह यहाँ पे दो दो हैं भाई, यहाँ पे दो दो हैं। ओ ये मिनियंस फेंक रहे अपने, ये क्या हुआ, ये मर गया। और मेरे पास एक इसका फेस आ गया है भाई, देख रहे हो। ओके, और मैं जानता हूँ भाई ये फेस मेरे क्या काम आने वाला, अभी देखो तुम लोग। मैं चाहता हूँ ये मिनियंस फेंके अपने। व्हाट, मैं इससे ट्रेड कर पा रहा हूँ गोल्ड के ये मार नहीं रहा मेरे को। ओके, अगर मैं ये पहन लेता हूँ तो ये मेरे को मारेगा नहीं, और ये निकाल दूं तो। जैसे मैं मास्क निकालता हूँ ना, तो वो ये मेरे को मारना शुरू कर देता है, और जैसे मैं मास्क पहन लेता हूँ तो वो मेरे को मारता नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे गोल्ड के ब्लॉक चाहिए। ओके, इसने मेरे को नहीं मारा, तो चलो भाई ये ट्रेड करके देखते हैं इससे क्या दे रही है। ये क्या किया है इसने, रिप्लेनिश योर ब्लेसिंग फॉर फ्री। ओ मेरे को ब्लेसिंग मिली है भाई, सन ऑफ ब्लेसिंग। ओके, मतलब ये मेरे लिए दुआ करता है, मतलब मेरे को ब्लेसिंग्स देता है भाई। थैंक यू सो मच द सन ऑफ चीफ इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए। क्या मैं इस टावर को डिफीट कर पाऊंगा? लेट्स गो, वन शॉट एंड वन शॉट। क्योंकि मेरे पास अब बढ़िया आर्मर आ गया है, तो अब मेरे को ये असर नहीं कर पाएंगे, मेरे को फुल बफ मिल रहा है आर्मर का। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बैटल टावर जो है वो तोड़ दिया है, मतलब इसका जो बैटल टावर का जो बॉस होता है उसको भी मार दिया है, बट मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं मिला। और भाई वहाँ पे मेरे को लॉस्ट सिटी भी दिख रही है, मैं चाहूँ तो वहाँ पे भी जा सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा यार, क्योंकि यार हमारे घर के आसपास ना कुछ आता ही रहता है। तो चलो यार, अब हम घर पहुँचने वाले हैं फटाफट, मैं जितनी भी चीज़ें अपनी इन्वेंट्री वगैरह खाली करूँ।
और ये रहा भाई इसकी ब्लेसिंग अभी तक चल रही है भाई। लेट्स व्हाट द हेक, ये क्या है भाई? अब भाई इनके पीछे डायमंड की स्वॉर्ड डली हुई है, ये क्या है भाई? और ये मेरे घर के आगे खड़े हो गए हैं बिल्कुल भाई। अब ये क्या क्या मुसीबत आ रही है मेरे वर्ल्ड में। तो भाई देखने के लिए जरूर से देखना अगला एपिसोड की अब क्या होने वाला है।